मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जो माइंड है वो मैग्नेटिक कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है। यह चीजों, लोगों और स्थितियों को आकर्षित कर सकता है। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप कितने सकारात्मक या फिर नकारात्मक हैं। आप अपने जीवन में वही आकर्षित कर सकते हैं जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। देखिए, बार बार आने वाले विचार मन को बार बार आने वाले विचारों के अनुसार सोचने के लिए प्रोग्राम करते हैं। बार बार दोहराए जाने वाले विचार उस मूर्तिकार की श्रेणी की तरह है जो आपके मन, अपेक्षाओं और विश्वासों को तराशते हैं और आपको अपने विचारों से संबंधित कुछ अवसरों से अवगत कराते हैं। एक ही तरह के विचारों को दोहराने से आप कुछ चीजों को ना केवल देखते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। बार बार विचार करने की शक्ति, बार बार आने वाले विचार चुंबक की तरह काम करते हैं, जो आप सोच रहे हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह वास्तव में रचनात्मक दृश्यता यानी क्रिएटिव विजुलाइजेशन और आकर्षण के नियम के काम करने के कारणों में से एक है। यदि आप लगातार चिंता या फिर नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो आप वैसी ही ऊर्जा और वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि अक्सर लोग हमेशा अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिमाग और विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते और इसलिए उनके विचार न मजबूत होते हैं और न ही चुंबकीय। कमजोर चुंबक की तरह कमजोर विचारों में शायद ही कोई आकर्षण शक्ति हो। मन उसी तरह कार्य करता है। आपका मन आपके विचारों के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम एक तटस्थ बल है। यह आपके प्रबल विचारों के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक स्थितियों को आकर्षित कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं तो आप इस दृष्टिकोण से उसे पीछे हटाते हैं। अक्षमता, कमजोरी, भय और हीनता के विचार एक विकर्षण शक्ति पैदा करते हैं। ये ऐसा है कि आप हवा को बहने दे रहे हैं और कुछ चीजों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अपने मन की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको अपने मन के संदेहों को दूर करने की आवश्यकता है। आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास होना चाहिए और आपने एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है। तब आपका दिमाग एक मजबूत चुंबक की तरह काम करेगा और यह उन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। यह आकर्षण के नियमों को आपके लिए कार्य करने के लिए निर्धारित करेगा। तो आप विजुलाइजेशन और ऑटो सजेशन की सहायता से एक चुंबकीय मन बना सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करके और सकारात्मक सजेशंस को दोहराकर आप अपने जीवन में सुधार करना स्टार्ट कर सकते हैं और नई स्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो नेपोलियन हिल ने एक बहुत सुंदर कहा है कि हमारा मन उन प्रबल विचारों के साथ चुंबकीय हो जाता है जो हम अपने मन में धारण करते हैं, और ये चुंबक हमें उन शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमारे प्रबल विचारों की प्रकृति के साथ सामंजस्य से स्थापित करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको मजबूर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप उन चीजों को आकर्षित कर पाए जो आप दिल से चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।